हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। सो फ्रेंड्स, आज मैं मेरे किचन में आप लोगों के लिए बनाने जा रही हूँ जर्दा, बहुत ही रिच इंग्रेडिएंट्स के साथ, मजेदार, बिल्कुल मीठा मीठा सा, और देखने में बड़ा खूबसूरत है, खाने में बड़ा लजीज है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना वक्त जाया किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, बनाते हैं जर्दा। यहाँ पर मैंने लिया है सेला चावल और ये तकरीबन 600 ग्राम है। ये देखिए, मैंने इसे 2 घंटे के लिए पानी में सोख करके रखा था। पहले मैंने इसे अच्छे से 2-3 पानी से धो लिया था, उसके बाद पानी डालकर इसे 2 घंटे के लिए सोख कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वांटिटी जो है वो जस्ट डबल हो गई है। अगर आप बासमती राइस यूज कर रहे हैं तो उसे ज्यादा नहीं, उसे सिर्फ 1/2 घंटे के लिए पानी में सोख करना है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा चावल जो है वो अच्छे से सोख हो गया है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 जग के करीब मैंने पानी लिया है। इसमें हम अपना चावल बॉयल करेंगे, इसलिए पानी ज्यादा लीजिए ताकि जो चावल है बहुत अच्छे से बॉयल हो जाए। तो पहले पानी में बॉयल आने देते हैं, उसके बाद इसमें हम चावल डालते हैं। देखिए, पानी बॉयल हो गया है, यहाँ पर चावल डाल देंगे। ढक देंगे ताकि चावल जो है जल्दी से उबलने लगे। देखिए, चावल जो है बहुत अच्छे से उबल रहा है। चलिए इसे चेक करते हैं गला कि नहीं। ये देखिए, चावल गल गया है। यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चावल को पानी से निकाल लेंगे। तो देखिए, मैंने जिस भगोने में चावल बॉयल किए थे वही से बर्तन मैंने फिर से रख दिया है आज पर। अब इसमें डालेंगे घी, घी थोड़ा ज्यादा डालेंगे ताकि जो हमारे राइस है जर्दे के वो उनमें थोड़ी शाइनिंग आए। देखिए, यहाँ पे मैंने बड़ा चम्मच, तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने घी डाला है और बाकी का घी हम ऊपर से डालेंगे। ये देखिए, यहाँ पर 5 हरी इलायची थी जिन्हें मैंने इस तरह से कूट लिया है और इसका छिलका मैंने नहीं निकाला, छिलका भी इसी में डाल देंगे। हरी इलायची इसमें चली गई। तो देखिए, मैंने इसमें इलायची डाल दी है, थोड़ी देर इलायची छोड़ दी थी, बहुत ज्यादा नहीं डाल, थोड़ी देर तक रखना है इलायची को। अब इसमें राइस डालेंगे, मैंने पानी से राइस को निकाल लिया है, 1/2 राइस डाल देंगे और फिर शक्कर डालेंगे, उसके बाद ऊपर से बाकी का राइस डाल देंगे ताकि जो हमारी शक्कर है वो अच्छे से जल्दी मेल्ट हो। तो यहाँ पर देखिए, ये 1/2 राइस मैंने डाल दिया है और ये देखिए 600 ग्राम मेरे पास यहाँ पर शक्कर है, यानी जितना चावल लिया था, कच्चा चावल जितना लिया था उतना ही शक्कर लेंगे। अब इसमें सारी शक्कर डाल देंगे। अच्छा, अगर आप ज्यादा मीठा पसंद करते हैं तो शक्कर की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। और इसके बाद इसमें बाकी का चावल डालेंगे, बट मैंने जितनी शक्कर डाली है बिल्कुल मुनासिब है, न कम न ज्यादा, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करिए। सारा राइस चला गया है, अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। चलिए, इसे आंच पर रख देते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, मैंने आंच पर रख दिया, इसे थोड़ी देर के लिए ढक देना है और आंच को मीडियम करना ताकि जो हमारी शक्कर है वो मेल्ट हो और चाशनी बनना शुरू हो जाए। तो देखिए, मैंने अभी ढक्कन हटाया है, ज्यादा नहीं, मैंने 2-3 मिनट तक ढक कर इसको पकाया, तो जो हमारी शक्कर है वो अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब हमें इसे हाई फ्लेम पे इस तरह से पकाना है ताकि जो शक्कर है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए, पानी सारा जल जाए इसका, और फिर उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सा कलरफुल जर्दा रेडी करेंगे। देखिए, यहाँ पर 1/2 पानी तकरीबन जल चुका है, 1/2 ही पानी बचा हुआ है। तो इसी तरह हमें हाई फ्लेम में इसे सारा पानी इसका जलाना है। जब तक पानी जल नहीं जाता, हम इसका जो फ्लेम है हाई रखेंगे और इसे साइड से चलाते रहिए ताकि जो चावल है वो टूटे ना। देखिए, यहाँ पे पूरा पानी अच्छे से जल चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी और डाल रही हूँ, पूरा भर के लिया है मैंने चम्मच। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1.5 कप के करीब दूध।
फ्लेम को हाई रहने देंगे अभी। और हाई फ्लेम पे इसे इसी तरह पकाते हैं ताकि जो दूध वगैरह है वो भी सब जल जाए। चलिए थोड़ी देर और पकने देते हैं ऐसे। ये देखिए ऑलमोस्ट जो इसका पानी है वो सारा जल चुका है। अब यहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट्स डालने हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स कट करके रखे हैं। अच्छा मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी मनपसंद जो भी आपको ड्राई फ्रूट डालना है डालिए, ज्यादा कम सब आप पर डिपेंड करता है। और मैंने इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू है, बादाम है, किशमिश है, नारियल है। चलिए सारे ड्राई फ्रूट्स चले गए, अब इन्हें अच्छे से मिक्स करते हैं। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसे हम ढककर दम पर लगाएंगे थोड़ी देर के लिए। अच्छा ढकने से पहले इसमें थोड़ा सा एक चम्मच घी और ऊपर से डालेंगे। घी चला गया इसमें, फ्लेम को मैंने यहां पर स्लो कर दिया है और इस पर लगा दिया है ढक्कन। अब इसे थोड़ी देर दम पर लगा रहने देंगे। देखिए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गया इसे दम पर लगाए हुए। अभी फ्लेम को बंद नहीं करना है, यहाँ पर हमें डालना है मावा यानी कि खोया। अच्छा आप ज्यादा डालें कम डालें, मैं अभी यहाँ पर थोड़ा डाल रही हूँ और क्योंकि अभी गर्म है तो जो खोया है वो सारा मेल्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ। मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने डाला है और जब भी पूरा रेडी हो जाएगा तब ऊपर से खोया डालेंगे। अभी इसका खाने में टेस्ट पता चलेगा इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा डाल रही हूँ। इसे वापस से ढक देंगे और 5 से 6 मिनट तक इसे और ऐसे दम पे लगे रहने देंगे। ये देखिए यहाँ पर मेरे पास है ग्रीन कलर, तकरीबन आधे चम्मच के करीब ग्रीन कलर है, इसे मैंने निकाल लिया है इसमें। और इसमें डालेंगे रोज वाटर या केवड़ा जल जो भी आपके पास हो, वो तकरीबन डालना है 2 चम्मच के करीब। यहाँ पर तकरीबन इसे 10 मिनट हो चुका है दम पर लगे हुए, तो अभी फ्लेम को ऑफ करना है। तो चलिए पहले कलर डाल देते हैं। कलर डालते हैं, इसे ढक देंगे। तो इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है, थोड़ी देर इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो चलिए बाकी का खोया जो है वो डाल देते हैं। कितना खूबसूरत सा कलर आया है, ग्रीन व्हाइट सारे ड्राई फ्रूट्स का कलर। तो हमारा जर्दा बिल्कुल रेडी है, चलिए मैं इसे अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए जर्दा बिल्कुल रेडी है, मैंने डिश आउट कर दिया है और बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है, सारे कलर्स दिख रहे हैं इसमें और बहुत ही डिलीशियस यम्मी है, बिल्कुल काफी रिचनेस है, इतनी अच्छी अच्छी रिच इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है। तो शाही ज़र्दा हो गया। अच्छा मुझे ये ग्रीन कलर बड़ा अच्छा लगता है इसमें, इसलिए मैं मोस्टली ग्रीन कलर ही डालती हूँ और कभी कभी वन कलर वाला भी बनता है। तो चलिए फिलहाल आप ये लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी मजेदार डिश है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं इसे आज सर्व कर रही हूँ बिरयानी के साथ में, आप अपने मन चाहे डिश के साथ में सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं आपसे मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।